नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक छोटे हमारे व्यापारी फल विक्रेता जो किसी तरह फल बेचकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, वैसे लोग पर प्रशासन के द्वारा ही जाती है। अगर कोई अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? संविधान में ये अधिकार है हर इंसान को, और कोई भी असंवैधानिक काम दुकानदार ने नहीं किया, फिर भी प्रशासन के द्वारा जो उनके साथ कल व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। और तत्काल ही जब मेरी जानकारी में आई, मैंने डीसी और एसपी से बात की, उस दुकानदार पर कोई केस प्रशासन ने स्वस्थ किया कि कोई केस नहीं हुआ, और मैं अभी स्वयं उस दुकानदार से मिल के आ रहा, और उन दुकानदार ने कहा कि मैं सिर्फ अपना हिंदू दुकान लिखा था और इस पर प्रशासन ने इस तरह की काम की। उन्होंने ये भी शिकायत की कि हमें फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर बहुत धमकी आ रही। मैंने तत्काल ही वहीं से सीनियर एसपी से बात की और हमने कहा इनका द्वारा FIR ले कि कौन इनको धमकी दे रहा है। तो इस तरह की घटना जहां लोग कोरोना वायरस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को और संवेदनशील होने की ज़रूरत है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हिंदू होना कोई पाप नहीं है, हम तो बार बार कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। अब आप देखें, हिंदू पेपर निकलता है, हिंदुस्तान समाचार है, हिंदुस्तान पेपर है, और अन्य दुकान सड़क का नाम देखें, कोई औरंगजेब रोड है। तो अगर हम अपने दुकान पर लिखें, हम दूसरे धर्म का तो अनादर नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म का अपने, और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। उस जीवन शैली में इस भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। ये बात प्रशासन को समझनी चाहिए। नहीं, आप मौका क्यों दे रहे हो? आप इस तरह की गलत हरकत करके आप सोचोगे कि आप भय दिखाकर, शासन का डर दिखाकर विपक्ष चुप बैठ जाए, तो विपक्ष चुप बैठने वाले नहीं है। मैंने कहा सबको अपने अपने दुकान में नियम संगत अपने भगवान का फोटो लगाना, जिसको जो फोटो लगाना, जिसको हिंदू दुकान लिखना लिखे, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, कोई गार को नहीं, काम नहीं, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। हमने डीसी एसपी से बात की, हम अपने दुकान में कुछ भी लिख सकते हैं, इस पर कौन असंवैधानिक काम? तो कदमा थाना प्रभारी को सोशल मीडिया पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ फल दुकानदार जो कदमा थाना अंतर्गत हैं, उनके द्वारा एक बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू दुकान, इस तरीके का बैनर 6-7 दुकानों में लगा करके फल की बिक्री की जा रही है। इसका सत्यापन करने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उस तरह के बैनर को पाया, और COVID-19 की महामारी के समय, जिस समय पूरे समाज को एकजुट रहना है, इस महामारी से निपटना है, प्रशासन का साथ देना है, उस समय में किसी भी दुकान में इस तरीके का स्लोगन लगाना या इस तरह का बैनर लगाना जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक विभेद को पैदा करता है, उस तरह के बैनर की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि COVID-19 की महामारी के समय में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पूरे देश में लागू है और यहाँ पर भी वो लागू है। इस समय किसी भी दुकान, चाहे वो सब्जी फल की हो या अन्य है, वो प्रशासन की अनुमति से ही केवल खोली जा रही है, तो उनको कोई संगठन विशेष खोलने की अनुमति देने का बैनर नहीं दे सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बैनर लगाया है या लगवाया है, उनके पीछे में मंशा यही थी कि इसमें विद्वेष पैदा किया जाए या धर्म के आधार पर बांटा जाए, तो ऐसा इस महामारी के समय में बिल्कुल अनुचित है। और इसको अनुचित पाते हुए थाना प्रभारी ने उनको इस बैनर को हटाने का निर्देश दिया और उनको जो है नेटिव नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त चूँकि COVID-19 की महामारी के संक्रमण के समय बहुत ही कम दुकानें मार्केट में ओपन हैं, तो वैसे में जब ऑलरेडी कम दुकानें हैं और उन्हीं दुकानों से सबको चीज़ों को लेना है, तो उसमें किसी भी धर्म या संप्रदाय के
आधार पर उन दुकानों को विभेद करना, अलग करना, वो गलत है। कहीं ना कहीं उसमें मंशा है कि एक गलत मैसेज समाज के बीच में जाए। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके के जो दृष्टांत हैं वो राज्य में अन्य जगह पर आए हैं। जमशेदपुर में भी एक दृष्टांत आया जिसमें कि एक धर्म विशेष के लोगों को सब्जी लगाने से, सब्जी का दुकान लगाने से या फल इत्यादि का दुकान लगाने से मना किया गया। तो ऐसे दृष्टांत जब हमारे पास में मौजूद हैं कि मना किया जा रहा है, तो वैसे में किसी धर्म विशेष के आधार पर या नाम लिखना एकदम अनुचित है और उस आधार पर इसकी कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा म्युनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 312 भी क्लियर कहती है कि कोई भी दुकान के लिए अनुमति JNSA के द्वारा दी जानी है, जो लोकल बॉडी है उसके द्वारा अनुमति की जानी है। कोई संगठन अनुमति नहीं दे सकता है। इस तरह के बैनर लगाना इस महामारी के संक्रमण के समय अनुचित है। और जो सोशल मीडिया पर जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि पूरे पक्ष को जान लें और उसके बाद सारे पक्ष को जानने के बाद ही किसी प्रकार की टिप्पणी करें। चूँकि इसमें अगर हम इस तरह के पोस्टर्स को या इस तरह की चीज़ों को जो समाज को बांटने का काम करते हैं, अगर उसको हम नहीं रोकेंगे तो उसके परिणाम बहुत घातक होंगे। और कानूनी रूप से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन सब चीज़ों को रोकें, अदरवाइज इस तरीके के दृष्टांत बढ़ेंगे। जहाँ तक विभिन्न धर्मों से संबंधित नाम की बात है, उनके नाम पर संस्थान, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट की बात है, उसमें प्रशासन को कभी कोई आपत्ति नहीं है। आज भी जमशेदपुर में सभी धर्मों के या पूरे देश में धर्मों के नाम पर दुकान इत्यादि होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ एक मार्केट लग रहा है, जहाँ पर इस तरह की आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जो कि इस महामारी के संक्रमण में लगाई जा रही हैं, उनमें इस तरीके का करना, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी के पीछे उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं विभेद को बढ़ावा देने की बात है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने उनको हटाया और दुकानदार ने उसको जो है बाद में हटा लिया है। इस मामले में एक्चुअली FIR का मामला ये नहीं बनता है, इसलिए इस मामले में कोई FIR नहीं की गई है, कोई इसमें मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ है। केवल इसको आपत्तिजनक मानते हुए, ये मानते हुए कि इस महामारी के संकट के समय में ये निश्चित तौर पर विभेद को बढ़ावा देने वाले और इस तरह की अनुमति हम लोग नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें एस्केलेट होंगी। पूर्व में मैंने बताया कि इस तरह के मामले आए हैं और इस तरीके की स्थिति में फिर हम लोगों को इस संक्रमण से लड़ना एकजुट होकर के बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें कोई FIR नहीं की गई है, केवल उनको उसको हटाया गया और उनको इस संबंध में एक नोटिस दिया गया है कि भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई नहीं करें। तो ये की है, सोशल मीडिया पर भी जमशेदपुर पुलिस की पूरी नज़र है और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए और एकजुट बनाए रखने के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए, पब्लिक पीस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी जो नियम के तहत है, उनमें जरूर करेंगे और लोगों से भी अपेक्षा करेंगे कि जरूर हम लोगों का सहयोग इसमें करें और बात को पूरी तरह समझने के बाद ही लोग कमेंट करें। तो देश प्रशासन का यही, और इस तरह की जो है जो कोई भी चीज़ है जो बांटने का काम करती है, उसको हम लोग नहीं अनुमति दे सकते हैं। और इसमें कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का विभेद की कोशिश करता है तो अनुचित है।